my all lovely students and my all friends, thank you so much for giving me lots of respect and lots of love. My dear children, love you lots to everyone. Students, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है ये तो आप सब लोगों को पता है. 5 सितंबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में. ठीक है, 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी. और टीचर्स डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ठीक है चिल्ड्रेन, आप लोग को ये सारी चीजें तो पता ही है. इस टीचर्स डे पे मैं आप लोग को तीन चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिसे अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं बचा सकता, इनफैक्ट कोई नहीं. ठीक है, वो थ्री थिंग्स क्या है? सबसे पहला है चिल्ड्रेन हेल्थ. आई रिकमेंड हेल्थ. यस, हेल्थ में क्या, मान लीजिए खाने पीने का, ये सारी चीजें तो बैलेंस रहती है, मम्मी पापा ध्यान रखते हैं, सारी चीजें होती हैं. ठीक है, लेकिन आप लोग को एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करना है. और अगर अभी से आप लोग एक्सरसाइज की हैबिट डाल लेंगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा. ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहली चीज आप लोग को करना है कि अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना है. 10 to 20 मिनट एक्सरसाइज, योगा करने का मन नहीं कर रहा है तो उछल कूद मचा लो, आप लोग थोड़ा रनिंग कर लो, जंपिंग कर लो. और अगर वो भी करने का मन नहीं कर रहा है तो बैठ के योगा कर लो. ठीक है, और अगर वो भी करने का मन नहीं कर रहा है तो 10 मिनट बैठ के माइंडफुलनेस कर लो आप लोग. ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ करना है आपको. सुबह उठने के बाद 10 to 20 मिनट आपको अपने लिए निकालना है. और इससे ज्यादा निकाल सकते हैं, आधे घंटे निकाल सकते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है. ठीक है, और अगर आपका ये सब भी करने का मन नहीं कर रहा है किसी का, तो आप डांस कर सकते हैं. डांस कर सकते हैं. और कुछ लोग कहेंगे कि रनिंग करने के लिए प्लेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. नो एक्सक्यूजेस, रनिंग आप एक प्लेस पे भी कर सकते हो. ठीक है, आपको रनिंग करने के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. तो माय डियर चिल्ड्रेन, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करना है. डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट 20 मिनट करना है. ठीक है, और सेकेंड थिंग, स्टडी को प्रियोरिटी देनी है. टाइम मैनेजमेंट सेकेंड थिंग क्या है? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट का सेंस क्या है यहाँ पे चिल्ड्रेन? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको एक घंटे स्टडी करना है तो करना है. ठीक है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं. फर्स्ट थिंग हेल्थ, सेकंड थिंग स्टडी. मैं सबसे पहले हेल्थ को इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप स्टडी कितना भी चाहो, बहुत अच्छी स्टडी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप लॉन्ग आवर तक पढ़ नहीं पाओगे. ठीक है, इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी हेल्थ और सेकंड प्रायोरिटी स्टडी, टाइम मैनेजमेंट. और स्टडी में टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है. आपको जो काम करना है जितने टाइम में करना है उतने टाइम में खत्म करो उसे, उसको डिले नहीं करना है. स्टडी आपको 1 आवर करना है तो करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है आपको. ठीक है, और थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स. आपकी जो कंपनी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में. ये चीज बहुत ज्यादा वो मैं कोई ध्यान नहीं देती, स्टार्टिंग में हम ये चीजें ध्यान नहीं देते हैं, बट माय डियर चिल्ड्रेन, फ्रेंड्स या आपकी जो कंपनी, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपका जो ग्रुप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप कितना जल्दी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्योंकि अगर आप, अब ये भी मैं बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगर आपके गुड फ्रेंड्स हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप स्टडी अच्छे से करोगे, आप कि थिंकिंग अच्छी होगी और आप जो भी राइट वे पे जाओगे, एक सही रास्ते पे जाओगे. लेकिन अगर आपकी कंपनी गुड नहीं है, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, तो आप स्टडी पे सबसे पहला इफेक्ट आपके पड़ेगा स्टडी पे, आप स्टडी अच्छे से नहीं करोगे. ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट स्टडी पे पड़ेगा. और स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा मतलब आपको पूरी लाइफ पे इफेक्ट करेगा. अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आगे आप लाइफ में कैसे सक्सेस होंगे? कंपटीशन इतना ज्यादा है चिल्ड्रेन, तो अभी से आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है. अपनी जो फ्रेंड सर्किल है, एक फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन वो फ्रेंड्स गुड फ्रेंड होना चाहिए, आपका अच्छा फ्रेंड होना चाहिए. अच्छा फ्रेंड का सेंस ये नहीं कि दिखने में अच्छा होना चाहिए, वो स्टडी करने वाला होना चाहिए, बिहेवियर उसका गुड होना चाहिए. ठीक है, गुड बिहेवियर होना चाहिए. और ये हम सबको पता चलता है, हम क्लास में है, कौन बैड है, कौन गुड है,
स्टडी कौन करता है कौन नहीं करता है ये सारी चीजें हमें पता होती हैं। तो इसलिए अपनी फ्रेंड का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही दिमाग लगा के करिए, बहुत ही सोच समझ के करिए, ठीक है चिल्ड्रन। तो बस ये तीन चीजें आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये थ्री थिंग्स। मैंने बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाई है कि आप सुबह उठिए ये करिए वो करिए, आपको जैसे रहना है रहिए, जो करना है करिए। अपनी जो हॉबी है, हाँ लास्ट थिंग, अपनी जो हॉबी है उसे भी आप फॉलो करिए। सिंगिंग, डांसिंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स, जो भी आपकी हॉबी है उसे भी आप फॉलो करिए, ठीक है। तो थ्री थिंग्स क्या है एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहला हेल्थ, एक्सरसाइज, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, चाहे जंपिंग, रनिंग, स्केटिंग, कुछ भी, ठीक है। और सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी की प्रायोरिटी, सेकंड, मैं सेकंड प्रायोरिटी स्टडी को देती हूँ और ये जरूरी है, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी आपकी फ्रेंड सर्किल, आपका ग्रुप कैसा है, ठीक है। ये तीन चीज आज से और अभी से आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे आप? एक्सरसाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड आपकी जो फ्रेंड सिलेक्शन है, आपकी जो कंपनी है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है। और अभी अभी अगर आप बैड फ्रेंड्स के साथ या बैड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। और माय डियर चिल्ड्रेन, अभी आप ये जो तीन हैबिट अगर आप लागू कर लिए तो आप लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, क्योंकि यही ये तीन चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं कि हम हमारी लाइफ कैसी होगी। और हम सब चाहते हैं लाइफ में हैप्पी रहना, राइट? आप लोग भी चाहते हैं हैप्पी हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है। आप लाइफ में जो चाहे कर सकें, तो ये तीन चीजों को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक है माय डियर चिल्ड्रेन। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।